जी मीडिया यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रंग तिरंग रिसोर्ट के बाहर खड़ी है पुलिस, ऐसे में कालाबाजारी एक बड़ी चाल चलेंगे और बचकर निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जी हां, ऐसे में जब चालू पांडे मैनेजर से बात करेंगे कि आपने हमें क्यों बुलाया था यहां पर, तो ऐसे में वो बताएंगे कि जेठालाल कालाबाजारी के बारे में हमसे बात कर रहे थे, तो इसी शक के दौरान उन्होंने चालू पांडे जी को यहाँ पर बुलाया था। और जब हमारे जेठालाल जी को सामने पेश किया जाएगा तो जेठालाल जी से बाद जब जेठालाल जी सारी सच्चाई बताएंगे कालाबाजारियों की, तो उसमें मदन लाल का चेहरा बताएंगे और उनके साथियों का। तो ऐसे में हमारे पांडे जी बोलेंगे कि ये लोग तो अभी जब मैं अंदर की तरफ आ रहा था तो ये हंसते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे। एपिसोड में आपको ये देखा भी होगा, आपको दिखाया भी जाएगा, तो आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि चालू पांडे के सामने ये दोनों चुपचाप निकल जाते हैं। ऐसे में मदन लाल तो यहाँ से निकल चुका है, लेकिन हमारे पास सिर्फ यहाँ पर मदन लाल को पकड़ने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मदन लाल को पकड़ने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि पोपट लाल ने अपने छाते के अंदर कैमरा छुपा रखा था, जिससे वो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग हुई होगी मदन लाल की और उनके साथियों की। और दूसरा ऑप्शन है रंग तिरंग रिसोर्ट की दीप्ति, हाँ, तो दीप्ति से सारा का सारा सच उगलवाया जा सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि इन दो क्लू के हिसाब से कालाबाजारियों के सभी बंदों को पकड़ा है। जी दोस्तों, ऐसी ही अपडेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।